बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ट्रिकी रूल्स ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। हमारे एज़ यूजुअल की तरह, जैसे हमने नाउन के मुख्तलिफ और डिफ़िकल्ट रूल्स को एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने एडवर्ब के टफ़ रूल्स को एमसीक्यूज के फॉर्म में डिस्कस किया, आज बिल्कुल उसी तरह हम एडजेक्टिव के टफ़ रूल्स को एमसीक्यूज के फॉर्म में सीखेंगे, क्योंकि इस तरह ये इजी टू रिमेंबर होता है और देर तक आपके माइंड में रह जाता है। पहला क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, वी पास्ड थ्रू द क्रूएलेस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ्स। ऑप्शन बी, वी पास्ड थ्रू द मोस्ट क्रूअल पीरियड ऑफ आवर लाइफ्स। ऑप्शन सी, वी पास्ड थ्रू मोस्ट क्रूएलेस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ्स। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। जी, क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जी, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि हमेशा हमें ये बात याद रखनी है कि हम लोग अपने सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को दोनों तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द क्रूएलेस्ट यानी द लगाकर साथ में एडजेक्टिव और ई एस टी लगा सकते हैं, या हम द के साथ मोस्ट लगाकर सिर्फ अकेले क्रूअल लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन, दोनों रिप्रेजेंटेशन हमारी सुपरलेटिव डिग्री की करेक्ट है। ठीक है, या हम दा लिख के एडजेक्टिव के साथ ई एस टी लगाते हैं, या हम दा लिख के मोस्ट और फिर साथ एडजेक्टिव लगाते हैं विदाउट ई एस टी। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हमारी सुपरलेटिव डिग्री की सही कंसिडर की जाती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है, आइडेंटिफाई द एरर इन दिस सेंटेंस। ही हैज़ द मोस्ट सर्कुलर बॉल फ्रॉम द कलेक्शन। ऑप्शन ए हैज़, ऑप्शन बी मोस्ट, ऑप्शन सी सर्कुलर, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। जी, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग है, मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है। ये क्यों? क्योंकि कुछ एडजेक्टिव्स हैं हमारे इंग्लिश में, जैसे यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, आइडियल, राउंड, सर्कुलर, डेड, डिफरेंट, प्रेफरेबल। इनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज में नहीं लिखा जाता, इनको एस एच ही लिखा जाता है। तो फिर इसके साथ हम लोग ना ई आर ई एस टी लगाते हैं और ना ही इनसे पहले मोर या मोस्ट लगाते हैं। सो दैट्स वाई इनके पहले, यहाँ पे अगर आप देखें, सर्कुलर से पहले मोस्ट लगा दिया, तो ये जो मोस्ट है ये इस सेंटेंस में रॉन्ग है, ये नहीं आना चाहिए, ये हमारा एरर है। दोबारा से सुन ले, कुछ एडजेक्टिव्स हैं हमारे इंग्लिश में, जैसे यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, आइडियल, राउंड, सर्कुलर, डेड, डिफरेंट, प्रेफरेबल। इनको हम ना कंपैरेटिव बना सकते हैं, ना सुपरलेटिव डिग्रीज में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये एस सच ही रहते हैं। इसलिए इनके साथ हम ई आर या ई एस टी भी नहीं लगाते इनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, और ना ही इनके स्टार्ट में मोस्ट या मोर लगाते हैं। ठीक हो गया। तो जब कभी भी इनके साथ मोस्ट, मोर या ई आर ई एस टी आएगा तो वो रॉन्ग होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा ही हैज़ द सर्कुलर बॉल फ्रॉम द कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। सेंटेंस है, दिस इज द मोस्ट क्लीनेस्ट लैंड आई हैव सीन। ऑप्शन ए दिस इज, ऑप्शन बी मोस्ट क्लीनेस्ट, ऑप्शन सी हैंड, ऑप्शन डी हैव सीन। ये ऑप्शन सी लैंड होना चाहिए था, सॉरी मैंने यहाँ पे एच पुट कर दिया, इट शुड बी एल। जी, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर एरर है इसमें। क्यों? क्योंकि देखें, हमें याद रखना है कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्रीज इंग्लिश में यूज करना सरासर गलत है। ठीक है, आप लोग कहेंगे यहाँ पे देखो मोस्ट भी लगा है और साथ में क्लीन के साथ ई एस टी भी लगा है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है और ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो एक सेंटेंस के अंदर हम डबल ना सुपरलेटिव डिग्रीज यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव की, और ना ही कंपैरेटिव डिग्रीज डबल यूज कर सकते हैं एक ही सेंटेंस में। तो अगर ये सेंटेंस इस तरह होता है, दिस इज द मोस्ट क्लीन लैंड आई हैव सीन, या दिस इज द क्लीनेस्ट लैंड, द क्लीनेस्ट लैंड आई हैव सीन, तब ठीक होता। मोस्ट और क्लीनेस्ट ये दोनों नहीं आ सकते, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ये मोस्ट क्लीनेस्ट हमारा गलत है, या ये मोस्ट क्लीन होना चाहिए था या द क्लीनेस्ट होना चाहिए था,
समझ के, कभी भी डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को यूज नहीं किया जाता, इट्स रॉन्ग अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द एरर इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस इज, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर स्क्राइंग एट दिस पैच ऑफ लैंड। ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन बी रीजन ऑफ, ऑप्शन सी योर्स, ऑप्शन डी क्राइंग एट। जी सोचें, शाबाश। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर एरर है। क्यों? क्योंकि देखें, जब कभी भी ना हमें जेरेंड दिया हो, जेरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन हो, जैसे यहाँ पर गिवन है क्राइंग, तो जेरेंड से पहले जो हमारे लगेंगे ना वो हमारे होंगे, सॉरी, जेरेंड से पहले हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स लगाएंगे, ना कि पोजेसिव प्रोनाउंस। देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं, माई, अवर, यूअर, हर, हिज, देयर। जेरेंड से पहले हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे, हम इनसे पहले पोजेसिव प्रोनाउंस जो माइन, देयर्स, योर्स, आवर्स, ये नहीं यूज कर सकते, ये गलत है। इंग्लिश ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग पोजेसिव एडजेक्टिव पुट किए जाते हैं जेरेंड फॉर्म से पहले सेंटेंस में, ना के पोजेसिव प्रोनाउंस। यूज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस बिफोर जेरेंड इन अ सेंटेंस इज कंसिडर्ड रॉन्ग। यहाँ पे इसलिए ये हमारा yours जो है ऑप्शन सी ये रॉन्ग है। इट शुड बी, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर क्राइंग एट दिस पैच ऑफ लैंड। ठीक है, ये जो yours है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, एंड द यूज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन बिफोर जेरेंड इज कंसिडर्ड रॉन्ग। इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय पोजेसिव एडजेक्टिव योर। ओके, समझ गए आप, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स लगेंगे हमेशा जेरेंड से पहले, ना के पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं माइन, देयर्स, आवर्स, योर्स, एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए, हमजा इज स्मार्टर देन हिज कजन हमदान। ऑप्शन बी, हमजा इज मोर स्मार्टर देन हिज कजन हमदान। ऑप्शन सी, हमजा इज मोर स्मार्ट देन हिज कजन हमदान। ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। जी क्या लगता है कौन सा करेक्ट होगा, थोड़ा सा सोचें, शाबाश, शेक योर माइंड्स। एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जब कभी भी हमने कंपेयर करना है दो डिस्क्रिप्शन को, मतलब कि हमने मेंशन करना है कि वन इज मोर सुइटेबल एंड एक्यूरेट देन अनदर, जब हमने दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है, और किस सेंस में कि वन इज मोर एक्यूरेट एंड सुइटेबल देन अदर, तब हम लोगों ने ई आर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव नहीं यूज करना, बल्कि मोर और उसके साथ एडजेक्टिव का यूज करना है। ठीक है, मोर प्लस एडजेक्टिव यूज करना है जब हम लोगों ने कंपेयर करना है दो डिस्क्रिप्शंस को, मतलब हमने बताना है कि दो चीज़ों में से एक मोर सुइटेबल है देन अदर, तो तब हम लोगों ने ई आर वाली कंपेरेटिव डिग्री यूज नहीं करनी, बल्कि मोर प्लस एडजेक्टिव यूज करना है। इस वजह से यहाँ पर अगर आप देखें, मोर स्मार्टर, ये तो गलत हो गया, डबल कंपैरेटिव है, इज स्मार्टर, ठीक है, यहाँ मोर नहीं लगा, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमजा इज स्मार्टर देन हिज कजन, कजन और हमजा की कंपैरिजन हो रही है कि हमजा ज्यादा सुइटेबल है, ज्यादा स्मार्टर है उसके कजन से, तो इस वजह से यहाँ मोर स्मार्ट, ठीक है, मोर प्लस एडजेक्टिव वाला जो ऑर्डर होगा वो करेक्ट होगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द स्टेटमेंट। हम सेंटेंस है, हमजा हैज बीन सेंट हेयर बाय अनदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ रिकनॉइटरिंग प्रायर फ्रॉम इन्वेजन। ऑप्शंस हमें गिवन है, हैज बीन सेंट प्रायर फ्रॉम, नो एरर। जी कौन सा, किस ऑप्शन में यहाँ पे एरर है, आप लोगों ने वीडियो को आगे आगे नहीं शिफ्ट कर देना स्किप कर करके, बल्कि आप लोगों को अगर मैं ये टाइम सोचने के लिए दे रही हूँ तो आप लोगों ने इसमें सोचना है। ओके जी बिल्कुल, प्रायर फ्रॉम यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे इंग्लिश एडजेक्टिव ग्रामर रूल्स के अंदर कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद हमें टू लगाना होता है, ना कि फ्रॉम एक्सेट्रा, जैसे वो हैं सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, अकस्टम्ड, एडजेसेंट, एलर्जिक, एडवर्स, क्लोज, कंड्यूसिव, डिवोटेड, इंजूरियस, सिमिलर।
हर एक के बाद हम लोगों ने टू का इस्तेमाल करना है, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, पोस्टीरियर टू, इंटीरियर टू, जब हमने कंपैरिजन करना है, अकस्टम टू, एडजेसेंट टू, एलर्जिक टू, एडवर्स टू, क्लोज टू, कंड्यूसिव टू, डिवोटेड टू, इंजीरियस टू, सिमिलर टू, इंजूरियस टू, सिमिलर टू। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने प्रायर फ्रॉम इन्वेजन लिखा है, इट शुड बी प्रायर टू इन्वेजन। ठीक हो गया, ये वर्ड्स हैं, अच्छे से आप लोगों ने इनको याद कर लेना है, इनके बाद टू का इस्तेमाल आता है, ना कि फ्रॉम, विद, एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ मैन हु कीप ऑन विंस द रेस। ऑप्शन बी, अ मैन हु कीप्स ऑन विन द रेस। ऑप्शन सी, अ मैन विंस द रेस हु कीप्स ऑन। ऑप्शन डी, अ मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस। ऑप्शन ए में तो देखें तो अ मैन के बाद यहाँ पे कीप लगा है, इट शुड बी कीप्स, बिकॉज यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, तो ये तो गया। ऑप्शन बी देखें, अ मैन हु कीप्स ऑन विन द रेस, नो, इट शुड बी विंस, बिकॉज अ मैन इज सिंगुलर। ये दो ऑप्शंस तो चलो गए ट्रैश बॉक्स में। अब आ जाते हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन सी के अंदर आप लोग देखें तो अ मैन विंस द रेस हु कीप्स ऑन, और ऑप्शन डी, अ मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वाई? बिकॉज हमारा एडजेक्टिव रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि जब हमें सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव क्लॉज गिवन होगा, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है कि ये देखें, ये अ मैन है, इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है ये क्लॉज की फॉर्म में गिवन है, हु कीप्स ऑन। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने उस एडजेक्टिव क्लॉज को फौरन नाउन के पुट करना है। वी हैव टू ऑलवेज पुट द एडजेक्टिव क्लॉज इमीजिएटली आफ्टर द नाउन। ठीक है, अब देखें इस ऑप्शन सी के अंदर भी तो वही है अ मैन, लेकिन ये हु कीप्स ऑन एंड पे है और विंस द रेस पहले है, तो ये इसलिए क्रॉस है क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा। रूल कहता है कि जब भी हमें एडजेक्टिव क्लॉज गिवन होगा तो हम फौरन नाउन के उसे पुट करेंगे, अ मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस। ये हमारा करेक्ट ग्रामर रूल को फॉलो कर रहा है कि पहले एडजेक्टिव क्लॉज आएगा फौरन नाउन के, ठीक है, बाद में आगे वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा आएगा। समझ आइए आप लोगों को, एडजेक्टिव क्लॉज को हमने नाउन के इमीडिएटली पुट करना है, इसलिए ऑप्शन डी में ये करेक्ट पुट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट एंड देयर वॉज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स। ऑप्शन बी, हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट एंड देयर वॉज लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स। ऑप्शन सी, हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट एंड देयर वॉज लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स। अच्छा, ऑप्शन डी, हिज पेंशन वर एडिक्वेट एंड देयर वॉज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स। ऑप्शन डी तो को तो देखो तो हिज पेंशन के साथ इन्होंने वर लगा दिया, ये तो गया जी, ये तो क्रॉस हो गया। हिज पेंशन, हिज की बात हो रही है, सिंगुलर है तो वर कैसे आएगा, गलत। ऑप्शन सी में देखें तो अच्छा, यहाँ पे आप बताएं करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा पहले, फिर मैं बताती हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस में इजी ट्रिक अप्लाई हो रही होती है, लेकिन बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देकर, ठीक है, हमें पेपर के अंदर स्ट्रेस अप हुए होते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि बच्चा बेचारा ये देख के हैरान हो जाएगा कि इतना तो टाइम नहीं है जितना इसमें पढ़ने में लग जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, ऐसे एमसीक्यू सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं, लेकिन आप लोगों ने अगर उसको रिलैक्स और स्ट्रीमलाइन माइंड में पढ़ा ना, तो फिर आप लोग ठीक आंसर कर दोगे। लेकिन अगर टेंशन और लंबा क्वेश्चन है, ओहो टाइम तो नहीं है, हाय हाय जल्दी जल्दी, तो फिर वो जो आता होता है वो भी भाग जाता है जहन से। देखें यहाँ पर एक चीज़ है समझने वाली, आ लिटल और लिटल इनका क्या मतलब है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, आप लोग देखिए, हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट एंड देयर वॉज अ लिटल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स। ठीक है, अब ये जो आ लिटल होता है ना, आ लिटल, सेम बिल्कुल आ फ्यू की तरह इसका मतलब होता है कुछ, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में ये लिया जाता है। जबकि ये जो लिटल होता है और फ्यू होता है, इनको नेगेटिव सेंस, नेगेटिव क्वांटिटीज में लिया जाता है, मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। आ फ्यू और आ लिटल का मतलब है सम, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी, और फ्यू और लिटल का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं है, खाली, खत्म, ठीक है, पश्तो में जो कहते हैं खलास। तो इस वजह से अगर इस सेंटेंस के अंदर आप लोग देखें तो कुछ उसने अपनी बचत भी की हुई है साइड पर, तो आ लिटल होना चाहिए कुछ। ये जो लिटल मनी है ये तो है कि नो मनी, तो ये तो क्रॉस हो गया, यहाँ पे भी लिटल है, यहाँ पे भी लिटल है, वहां पे तो वर क्रॉस हो गया, तो इस वजह से ऑप्शन ए हमारा ठीक है कि उसकी पेंशन काफी थी और उसने साइड पर कुछ बचत भी कर रखी थी, ठीक है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट।
आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मार्क द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए, अहमद फील्स लोनली एज ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स इन द टाउन. ऑप्शन बी, अहमद फील्स लोनली एज ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द टाउन. ऑप्शन सी, अहमद फील्स लोनली एज ही हैज नो फ्रेंड्स इन द टाउन. ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. जी बिल्कुल उसी पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैंने इसीलिए आप लोग को दिया कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एंड सी, बोथ. क्यों? क्योंकि देखिए फ्यू का मतलब मैंने अभी बताया कि कुछ भी नहीं. फ्यू का मतलब मैंने अभी बताया कि कुछ भी नहीं, और अ फ्यू का मतलब मैंने आप लोग को बताया कि कुछ, सम, ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट में. तो अगर इस सेंटेंस को आप लोग देखें, ये देखें, अहमद फील्स लोनली एज ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स इन द टाउन. ठीक है, अ फ्यू, अगर उसके कुछ दोस्त थे तो फिर वो अकेला अकेला महसूस तो ना करता ना, तो ये गलत है. उसके साथ अगर हम देखें, फ्यू फ्रेंड्स, अहमद फील्स लोनली एज ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, दैट्स व्हाई ही वाज फीलिंग लोनली. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फ्यू फ्रेंड्स और नो फ्रेंड्स दोनों सिनोनिम्स है, सेम मतलब है, तो इस वजह से ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट हो जाता है. ठीक हो गया, फ्यू मीन्स नथिंग और नो वन, और नो वन और नो. ठीक है, फ्यू मीन्स नथिंग और नो. सो व्हाइल अ फ्यू मीन्स सम, अ फ्यू इज यूज इन द पॉजिटिव सेंस एंड फ्यू इन नेगेटिव सेंस. सो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में फ्यू यूज हुआ है, तो इस वजह से नो और फ्यू दोनों का सेम सिनोनिम आएगा, बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कोरमा इज मच टू सॉल्टी. हमने करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है. कोरमा इज टू मच सॉल्टी, कोरमा इज टू मच फेमस डिश, कोरमा इज सच टू फेमस डिश. जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक है. क्यों? क्योंकि हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे जो सॉल्टी है ना, वो एक एडजेक्टिव है. जब हम किसी एडजेक्टिव से पहले टू मच यूज करते हैं ना, तो हम मच टू की फॉर्म में यूज करते हैं. मच और टू, ये मच टू के फॉर्म में आएगा. लेकिन अगर हमारा टू मच के बाद वाला जो वर्ड है वो नाउन हो, तो फिर हमारा टू मच ठीक होता है, मच टू ठीक नहीं होता. अब यहाँ फेमस डिश जो है ये एक नाउन है, लेकिन अगर यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ टू दूसरे वाला लिखा है, टूवर्ड्स वाला प्रपोजिशन, जो कि गलत है. यहाँ पे ये वाला टू होता तो फिर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट माना जाता और ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाते, लेकिन यहाँ पे टू मच होना चाहिए था, ना कि टू. ठीक हो गया, जब भी मच टू लिखा होगा तो उसके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, तब ये मच टू ठीक होगा. लेकिन अगर यहाँ सॉल्टी की जगह पर कोई नाउन होता तो फिर यहाँ पे टू मच वाला ऑर्डर ठीक होता. मैंने यही लिखा है कि इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन विद सॉल्टी आफ्टर मच टू. सॉल्टी इज एन एडजेक्टिव, सो अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू यूज मच टू बिफोर एडजेक्टिव, बट इन द केस ऑफ नाउन आफ्टर टू मच वी हैव टू पुट इट टू मच, नॉट मच टू. बात समझ में आई है आप लोगों को? जब नाउन होगा टू मच के बाद तो वो टू मच ही ठीक होगा, लेकिन अगर मच टू और टू मच का कम्बिनेशन है और उसके बाद एडजेक्टिव है तो फिर यहाँ पे मच टू आएगा. So this was all about the adjective rules in the form of MCQ. बहुत अच्छे से आप लोगों ने ना इन रूल्स को कई दफ़ा रिवाइज करना है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आई एम श्योर कि यहाँ से बहुत कुछ आएगा पेपर में. ज़रूरी नहीं है कि यही स्टेटमेंट्स आएंगी या यही वर्ड्स आएंगे. वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट यही वाला होगा. आप लोगों ने, मैंने नाउन की भी डाल दी है वीडियो इसी तरह MCQs के फॉर्म में रूल्स को, और एडवर्ब की भी डाल दी और आज एडजेक्टिव की भी डाल दिया. तो आप लोगों ने इसको अभी भी देखना है, टेस्ट से पहले भी देखना है, ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए और पक्के हो जाएंगे रूल्स. ठीक है, फिर इसी में से ही मुझे लगता है, बल्कि इसी में से ही वो लोग सेंटेंस करेक्शन के MCQs बना देते हैं. ठीक है, वेरी मच, टू मच लगा देते हैं. ठीक है, फिर कहते हैं कौन सा रॉन्ग है. इसी तरह वो यहाँ पे क्राइंग से पहले योर्स लगा देंगे, फिर कहेंगे कौन सा करेक्ट है. तो ये जब आप लोग को रूल्स अच्छे से, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स अच्छे से आते होंगे ना, तो फिर इंग्लिश चाहे कहीं से भी आ जाए, इट विल बी ईजी फॉर यू पीपल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहिएगा, अपने लिए भी और हमारे लिए भी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर करें. आने वाले अपने जूनियर्स को बताएं कि ये चैनल देखें, यहाँ पर मैम ने इस तरह की चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं. कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैम हमें इस टॉपिक पर मज़ीद वीडियोस चाहिए, ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है, तो मैं आप लोग के लिए ज़रूर बनाऊँगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़.